देर रात एमपी में बड़ी प्रशासनिक सर्जरी। आपको बता दें 26 आईएएस और 21 आईपीएस अधिकारियों का तबादला हुआ है। 8 जिलों के कलेक्टर बदले गए हैं। डिंडोरी, अनूपपुर, नीमच के कलेक्टर बदले गए हैं। शहडोल जिले की नवागत कलेक्टर केदार सिंह होंगे। अनुराग शर्मा को सौंपा गया है पुलिस महानिरीक्षक का पद। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। रातों रात एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल यहां पर देखने को मिलता है। एमपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। शहडोल जिले के नवागत कलेक्टर केदार सिंह होंगे और अनुराग शर्मा को पुलिस महानिरीक्षक का पद सौंपा गया है। तो देर रात एमपी में ये बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, प्रशासनिक सर्जरी। 26 आईएएस और 21 आईपीएस अधिकारियों का तबादला हुआ है। 8 जिलों के कलेक्टर तक बदल दिए गए हैं। ये बड़ी जानकारी। डिंडोरी, अनूपपुर, नीमच के कलेक्टर बदले गए हैं। शहडोल जिले के नवागत कलेक्टर होंगे केदार सिंह। ये बड़ी खबर। तो बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आपको बता दें मध्य प्रदेश में देर रात एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिलता है। 26 आईएएस और 21 आईपीएस अधिकारियों का तबादला हुआ है। 8 जिलों के कलेक्टर बदले गए हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि डिंडोरी, अनूपपुर, नीमच के कलेक्टर बदले गए हैं। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। और शहडोल जिले के नवागत कलेक्टर अब केदार सिंह होंगे। अनुराग शर्मा को पुलिस महानिरीक्षक का पद सौंपा गया है। तो बड़ी जानकारी लिस्ट आ चुकी है। देर रात एमपी में बड़ा फेरबदल देखने को मिलता है। 26 आईएएस और 21 आईपीएस ऑफिसर बदल दिए जाते हैं। ज्यादा जानकारी हम तक साझा करेंगे। गौरव गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, फिलहाल क्या कुछ अपडेट सामने आ रहे हैं, क्योंकि कल जिस तरीके से हमने देखा एक बड़ा फेरबदल, हम इसको कहें, यहां पर आईपीएस ऑफिसर्स के आईएएस ऑफिसर्स के तबादले कर दिए गए हैं। गौरव, देखिए बिल्कुल 26 आईएएस अधिकारी हैं, उनके तबादले किए गए हैं। और प्रशासनिक सर्जरी को लेकर लंबे समय से इसके लिए चल रही थी कि जल्द ही एक सूची अधिकारियों की आ सकती है। बताना चाहूंगा कि अभी केवल 26 आईएएस अधिकारियों की सूची आई है, अभी और भी आईएएस अधिकारियों की सूची आना बाकी है। क्योंकि देखिये चुनाव के बाद ये प्रथा रही है कि हर इलेक्शन के बाद जब लोकसभा चुनाव या विधानसभा चुनाव होते हैं तो उसके बाद जो अधिकारियों के तबादले होते हैं वो किए जाते हैं, क्योंकि आचार संहिता के चलते चुनाव के पहले जो अधिकारी हैं उस दौरान भी इधर से उधर किए जाते हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव होते हैं तो प्रशासनिक व्यवस्थाओं के लिए, शासनिक व्यवस्थाओं के लिए अधिकारियों के तबादले इस दौरान देखे जाते हैं, किए जाते हैं। और ये एक सामान्य प्रक्रिया भी है। अब फिलहाल जो है एक बड़ी सर्जरी देर रात हुई है। अचानक से 26 आईएएस अधिकारियों की सूची आई है। अभी कहा जा रहा है कि 15 अगस्त के पहले एक सूची और आ सकती है और इसमें आईपीएस अधिकारी और आईएएस अधिकारी दोनों ही शामिल रहेंगे। इसके अलावा मध्य प्रदेश शासन के भी अधिकारियों की एक सूची आनी है। हालांकि पहले आईएएस आईपीएस अधिकारियों की सूची आएगी और उसके बाद फिर अन्य अधिकारियों की भी सूची आएगी, क्योंकि पूरा प्रशासनिक तंत्र जो है उसको बदला जाना है। कई अधिकारी ऐसे भी हैं जिन्होंने खुद ट्रांसफर के लिए भी सरकार से निवेदन किया है और वो तमाम जो आवेदन है उनको भी ध्यान में रखते हुए सरकार इस प्रशासनिक सर्जरी को आगे साफ तौर पर 26 आईएएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं और अभी और भी सूची आना बाकी है। और कहा जा रहा है कि 15 अगस्त से पहले 2 से 3 सूची और अलग अलग अधिकारियों के आ सकती है। जी बिल्कुल गौरव, 15 अगस्त से पहले ये तमाम जो सूची है, जिस तरह से हमने अब देखा 26 आईएएस 21 आईपीएस ऑफिसर बदल दिए गए हैं और यहाँ पर 8 जिलों के कलेक्टर के यहाँ पर तबादले भी हो चुके हैं, कलेक्टर बदल दिए गए हैं। लेकिन आगामी दिनों में जिस तरीके से आप जानकारी दे रहे हैं कि एक बड़ा फेरबदल फिर से देखने को मिल सकता है, लेकिन इसके पीछे की जो मुख्य वजह है क्या कुछ मानी जा रही है? क्या 15 अगस्त को लेकर हम ये सोचें, ये माना जाए कि बड़ा फेरबदल देखने को मिला है, प्रशासनिक फेरबदल? देखिए जैसा कि मैं बता दूंगा कि जब भी इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शंस के बाद ये एक सामान्य प्रक्रिया होती है कि सरकार अपनी व्यवस्थाओं के हिसाब से अधिकारियों को ट्रांसफर करती है। अधिकारियों के भी कई इच्छाएं रखी है, कई अधिकारी भी कई बार अपने जिले बदलने के लिए सरकार को आवेदन देते हैं, तो सरकार अपनी व्यवस्थाओं के चलते और अधिकारी भी अपने आवेदन के चलते ये जो सर्जरी है या कहें ये जो प्रक्रिया है ये हर बार इलेक्शन के बाद देखने को मिलती है। अभी हालांकि ये कहा जा रहा था कि मंत्रियों जो प्रभार मंत्री बनाए जाने हैं उसके बाद इन सूचियों का आना शुरू होगा। हालांकि अब उसमें देरी हो रही है तो जो आईएएस और आईपीएस अधिकारी हैं उनके ट्रांसफर को लेकर जो है प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और इसकी पहली सूची भी हमारे सामने आ गई कि 26 आईएएस अधिकारियों के ट्रांसफर किए गए हैं। जाहिर सी बात है मध्य प्रदेश में और भी अधिकारी पदस्थ हैं और उनकी भी जल्द सूची जो है वो जारी की जा सकती है। अभी आईएएस अधिकारियों में और भी सूची आना बाकी है। बिल्कुल गौरव, बिल्कुल एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल आगामी दिनों में भी देखने को मिल सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए।
और चलिए अब रुक करेंगे अगली खबर की और बात करेंगे बिलासपुर की। बिलासपुर से बड़ी खबर, जहां कार में स्टंट करने वालों पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई।